यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों आप ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, आप जितना अमाउंट चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गिरावट में मिलता है। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट नहीं करना रहता है। और साथ ही साथ ये मिड कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक में ऐसे भी ऑल टाइम हाई पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें ये स्टॉक काफी वोलेटाइल भी है, ग्रोइंग स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा लेकिन काफी वोलेटाइल है। इस स्टॉक में मैं 2018 से इन्वेस्टेड था लेकिन 2020 में मैंने इसमें एग्जिट किया था, प्रॉफिट में एग्जिट किया था। लेकिन मैंने इसे स्टॉक को देखा है काफी वोलेटाइल, मैंने 350 रुपीज पे इन्वेस्ट किया था जहां से ये 500 रुपीज का हाई लगाया था और वहां से फिर से गिरकर यह 220 रुपीज तक आ चुका था। तो इतना वोलेटाइल स्टॉक है और प्रोडक्ट काफी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का चार्ट काफी ग्रोइंग है, तो इसलिए हमेशा गिरावट में बाय करना है। तो चार्ट पे हम देखेंगे इसके, तो उससे पहले हम इसके प्रोडक्ट और फाइनेंशियल जो मतलब जो फंडामेंटल्स है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो काफी बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट 1981 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये अल्कोहलिक सेक्टर से है। देखिए अल्कोहल बनाने वाली ये कंपनी है। तो 1998 में दूसरा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है 8 PM विस्की। उससे पहले ये कंपनी जो है दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाने काम करती थी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग था। फिर अपना प्रोडक्ट ये सारा का सारा लॉन्च किया है 2002 में ओल्ड एडमायरी ब्रांडी, 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, 2009 में, 2011 में, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर देखिए 2018 में 8 PM प्रीमियम ब्लैक विस्की हो गया, अल्कोहल हुआ, उससे रिलेटेड सारी कंपनियां हैं। तो नाम पढ़ने में भी मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट है और कंपनी जो है अब मार्केट को लीड करती है कई सारी, जैसे रम हो गया इसका और जो विस्की का प्रोडक्ट है, कई सारे मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट को लीड करता है। इसका पहला ही प्रोडक्ट मात्र लंच के एक साल में ही मार्केट का लीडर बन गया था। तो इतना बेहतरीन इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसके और सारे ब्रांड आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड, डोमेस्टिक ब्रांड्स और डिफेंस से रिलेटेड जो ब्रांड है उसको भी आप देख सकते हैं। पर रामपुर हो गया 8 PM विस्की, तो जो कि आपने ब्रांड वहाँ पर भी देखा कब कब लॉन्च किया है। और ब्रांड आप मार्केट में अगर विस्की कोई पीता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कौन से अच्छे ब्रांड है और इस कंपनी के बारे में भी पूछ सकते हैं इस कंपनी के जो ब्रांड है। वहीं डिफेंस में भी कई सारे ब्रांड इसके यूज होते हैं। तो देखिए डिफेंस में यूज होने वाले ये सारे ब्रांड है। तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। अगर हम बात करें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिएगा सेल्स कंपनी का 2006 में था मात्र 466 करोड़ का और वहां से कंपनी का देखिए सेल्स लगातार इंप्रूव हुआ। बीच का डाटा काफी दिनों तक उपलब्ध नहीं है लेकिन यहां पर 2016 में 1600 करोड़ का था, तो वहीं 2021 में हो चुका है 2400 करोड़ का, तो काफी ज्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट का, तो 2006 में मात्र 45 करोड़ का, 2016 में हो गया 78 करोड़ का और 2021 में बढ़कर हो गया 277 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप हुआ है। तो इस तरह से कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट काफ़ी तेजी से बढ़ा है। फिर है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात करें शेयर कैपिटल कंपनी के पास है मात्र 27 करोड़ का, रिजर्व जो कंपनी के पास वो है 1766 करोड़ का, तो रिजर्व भी अच्छा खासा है कंपनी का। फिर यहाँ पर बात करें कंपनी का जो डेट है, बोरोविंग है, कंपनी का बोरोविंग 272 करोड़ का है, तो कंपनी का अच्छा खासा मतलब यहाँ पर बोरोविंग है लेकिन कुछ खास नहीं है, तो कंपनी अपने डेट को काफ़ी कम भी किया है। वहीं कैश फ्लो की बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी से कैश फ्लो देखने ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, 2017 से ही पॉजिटिव रहा है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है, मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर से स्टेक 40% है जो कि कांस्टेंट बना हुआ है, तो प्रमोटर का स्टेक भी कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर का बिहेवियर वो भी अच्छा खासा है इस कंपनी में। पब्लिक स्टेक की बात है, पब्लिक स्टेक 23% है, इसमें जो DIs का स्टेक है 70% और FIs का स्टेक लगभग 19.26%। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है। और अगर एनालिसिस की बात करें कंपनी का जो प्रोज है, कंपनी अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ऑफ
जो CAGR का है 28% के CAGR से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब वहीं निगेटिव बातें करें, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 8% है, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो मात्र 8% है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 28%। अभी इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है रेडको खैतान, मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस की बात करें 862 रुपीज का है और ये अपना देखिए 52 वीक लो 360 रुपीज है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफी वोलेटाइल रहा है, वो चार्ट पे भी हम देख लेंगे। अगर पी की बात करें तो 41.6 का पी है जबकि इंडस्ट्री का पी 31.8 का है, तो काफ़ी इंडस्ट्री से महंगे पी पे मिल रहा है। तो स्टॉक जब अच्छे हो तो महंगे पी पे ही मिलेंगे। और डिविडेंड की बात करें 0.23% का डिविडेंड यील्ड है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और बात करें कंपनी के पास रिजर्व पास 1776 करोड़ का रिजर्व है कंपनी पास, हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी अपने बिजनेस में 1943 है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास अपने बिजनेस का। और जो कंपनी है मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड IMF इंडियन मेड फॉरन लिक्विड ब्रांड में है, और कई सारे ब्रांड है जो कंपनी मार्केट में लीड करती है, जिसमें से आपने देखा 8PM विस्की हो गया, रम हो गया, तो इस तरह से काफ़ी बेहतरीन ब्रांड पोर्टफोलियो है। अब बात करें कंपनी के चार्ट का, तो देखिए शेयर प्राइस का चार्ट काफ़ी सॉलिड रहा है। शेयर प्राइस के चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2002 सब में तो मात्र 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ का ये स्टॉक था, वहाँ से ये स्टॉक हाई बनाता है 215 रुपीज़ का, 215 से स्टॉक फिर से गिरता है और 54 रुपीज़ पे आ जाता है, 54 रुपीज़ से फिर से स्टॉक मोमेंटम दिखाता है और 185 का हाई लगाता है, 185 से फिर से ये स्टॉक गिरावट दिखाता है और 78 रुपीज़ का लो बनाता है, 78 रुपीज़ से फिर से ये हाई बनाता है लगभग 497 रुपीज़ का, 497 से ये गिर करके फिर से ये स्टॉक आ जाता है 220 रुपीज़ तक, 220 रुपीज़ से ये फिर से हाई बनाता है 860 रुपीज़ का। तो कुछ इस तरह से वोलेटाइल रहा है इस स्टॉक का प्राइस मोमेंटम, तो आपको इसमें हमेशा जो है थोड़ा सा गिरावट में बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लगभग 500 का यहाँ जो हाई बनाया था 499 रुपीज़ का, वहाँ से देखिए स्टॉक कितना गिर के आया था 220। मैंने पहले ही बिना चार्ट देखे आपको बताया था क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड था, इसका जो वोलेटिलिटी है वो हमको पता था, काफ़ी स्टॉक वोलेटाइल है। और देखिए यहाँ पर फिर से ये स्टॉक इस बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ गिरावट दिखाया, 300 से फिर से स्टॉक गया 450, फिर से स्टॉक गिरावट दिखाया 260, फिर से ये ऊपर गया 437, फिर से स्टॉक गिरावट दिखाता है यहाँ पर देखिए 220, फिर से स्टॉक हाई बनाया है 860 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए कुछ इस तरह से मिड कैप स्टॉक जो है वोलेटाइल रहते हैं, साथ साथ लिक्विड सेक्टर के स्टॉक ऐसे वोलेटाइल, काफी सारे न्यूज आते हैं कि इस स्टेट में जो है लिक्विड को बैन किया गया है, अल्कोहल को बैन किया गया, तो उसके कारण भी इसमें वोलेटिलिटी देखने मिलता है। और कितना भी बैन हो जाए देखिए ये बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं, क्योंकि ये एडिक्शन होता है, जो दारू पीने का लत होता है, शराब पीने का, तो एक बार जो एडिक्शन हो गया तो वो फिर से कभी बंद नहीं हो सकता। तो इसलिए समझिए कि ये स्टॉक हमेशा आपको बेहतर रिटर्न देंगे लेकिन हमेशा गिरावट में आपको बाय करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ऐसे बेहतरीन स्टॉक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे।